गाइज यार, आजकल आपने देखा होगा कि जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। गर्मियों के अंदर सर्दी पड़ने लग जाती है, और जब बहुत कमाल की गजब की गर्मी पड़नी होती है ना, उस टाइम यार आंधी तूफान और बारिश आना शुरू हो जाते हैं, और इसका कारण मानते हैं लोग पर्यावरण प्रदूषण को। और पर्यावरण प्रदूषण के अंदर हमारी ये जो गाड़ियाँ होती है इनका भी एक अहम रोल होता है। और आजकल आपने सुना ही होगा कि गाइज हमारी जो सरकार है वो लगातार जो गाड़ियों के इंजन है उनको BS4, उसके बाद BS6, और आजकल तो BS6 का जो फेज 2 है वो भी इंजन लॉन्च हो गया है। और ये जो इंजन लॉन्च होते हैं गाइज, ये होते हैं पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये जो हमारी गाड़ी है ना, ये गाइज आज से 20 साल पुरानी है, और इसका इंजन भी आज से 20 साल पुराना है। तो भाई आप सबको पता है यार, ये जो गाड़ी है वो 20 साल पुरानी है, और आप सबको पता है यार इसका जो इंजन है वो भी भाई 20 साल पुराना होगा। और पुराने होने के साथ साथ ये इंजन धुआं भी देता है, जैसे यार आपने फर्स्ट टेक के अंदर देखा। हालांकि यार पर्यावरण को सब नुकसान पहुंचाते हैं, हम भी पहुंचाते हैं भाई, गलती मानते हैं, लेकिन यार क्या आपको पता है यार ऐसी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो रोड पे चलती तो कितना नुकसान हमको झेलना पड़ता है। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही टेस्ट करने वाले हैं कि जो ये हमारी पुरानी गाड़ियां जिनकी हम सर्विस नहीं करवाते टाइम टू टाइम, वो कितना पोल्यूशन फैलाती है और कितना हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको गंदा करती है। तो इसका टेस्ट करने के लिए हमारे पास में आज है यहां पर इतना सारा कॉटन, और इस वीडियो में हम यही टेस्ट करेंगे कि ये जो गाड़ियां हैं वो कितना पोल्यूशन फैलाती है। जी हां गाइस, हमने एक ग्लास बॉक्स बनवा लिया और उसके अंदर हम डालेंगे इतनी सारी कपास, और गाइस गाड़ी के साइलेंसर को हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, और जो धुआं आएगा ना वो सारा का सारा इस कॉटन के अंदर, इस ग्लास बॉक्स के अंदर जाएगा। और गाइस उसके बाद हमें पता चलेगा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर ये गाड़ियों का धुआं जाता है हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, हमारे फेफड़ों को कितना डैमेज करता है, वही का वही हम इस बॉक्स के अंदर आपको दिखाने वाले। तो गाइस फटाफट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो गाड़ियां होती है वो हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। तो करें शुरू। यस। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो कांच का बॉक्स लिया उसके अंदर हमने बिल्कुल साफ कॉटन डाल दी है, जो हमारा पर्यावरण का रूप लेगी, यानी कि ये हमारा पर्यावरण है। और यहाँ पर देखिए एक हमने पाइप फंसाया है, और इसके यहाँ पर साइलेंसर का, गाड़ी का जो मुंह है साइलेंसर का, वो डालेंगे, और उसका धुआं इस पाइप से होते हुए इस कॉटन को कितना गंदा करेगा, यानी पर्यावरण को कितना गंदा कर पाएगा, ये आज इस वीडियो के अंदर टेस्ट होने वाला है कि गाड़ियाँ, पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो, उन पर सरकार किस तरीके से एक्शन ले रही है, और वो टेस्ट करेंगे कि वो कितना गंदा अभी कर रही है। आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। तो भाई अभी जो है इस वीडियो के लिए हमने इस गाड़ी की सर्विस नहीं कराई है, बल्कि जो है ना हम टाइम टू टाइम, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो चाहे कौन सी भी गाड़ी हो, उसकी सर्विस करवाते हैं। लेकिन भाई इस वीडियो के लिए हमने इस गाड़ी की सर्विस नहीं कराई है, तो इसका जो धुआं है ना वो बहुत ज़्यादा बदबूदार है। और तो अब करते हैं भाई कनेक्ट, और देखते हैं कि यार हमारा जो पर्यावरण है वो इस गाड़ी से, एक सिंगल गाड़ी से कितना गंदा होता है। तो भाई यहाँ से जो है ना साइलेंसर हमारी इस गाड़ी का है, और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करके सीधा ही हमारे इस कॉटन के अंदर डाल दिया है, जो कि यार पोल्यूशन सीधा इस एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा। और इसको ऊपर से कर देंगे बिल्कुल एयर टाइट, ताकि यार धुआं इधर उधर ना जाए, और सारी की सारी जो गणित है वो इसके अंदर कैद होकर रह जाए। आने दे, आने दे। तो गाइस यार हमारा जो पूरा का पूरा एकदम जो सैप, जो प्योर एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर फिट हो चुका है, और यहाँ पर जो हमारी पोल्यूशन वाली जो कार है वो भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरीके से मौजूद है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो गाड़ी है कितना पोल्यूशन फैलाती है। करो स्टार्ट। हमारा ग्लास जो है इस साइड से टूट चुका है, और मैं थोड़ी लग भी चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, धुआं अंदर क्रिएट हो रहा है, और हमारा जो कृत्रिम एनवायरनमेंट है वो खराब भी होने लग चुका है। अंदर देखो धुआं कितना जमाना शुरू हो चुका है, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। तो भाई यहाँ पर जो है हमारी जो
पाइप है वो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हीट की वजह से बिल्कुल मुलायम हो चुकी है और कांच के अंदर क्रैक ही क्रैक हो चुके हैं। और अगर मैं टच करूं तो कसम से गाइस कम से कम 60-70 डिग्री इसका जो टेम्परेचर है वो जा चुका है। और यहां पर देखो कितनी ज्यादा हीट है भाई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पॉल्यूशन लेवल है ना वो कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। ये देखो ये जो चीज है वो सारी की सारी पॉल्यूशन की है। ये देखो गाइस ये देखो इसके अंदर जो जितना धुआं है वो यहाँ से निकल रहा है, ताकि यार आप देख सकते हैं इतना सारा धुआं निकल रहा है। वापस स्टार्ट करें करो भाई वापस करो, अभी मजा नहीं आ रहा है। और करो भाई ये है कार्बन जो कि सबसे ज्यादा नुकसान करता है। यहाँ पर देखो टेप के ऊपर कितना कार्बन जमा हुआ भाई, 5 मिनट का कार्बन है ये। यहाँ देखिए ओ शिट भाई साहब बहुत ज्यादा कार्बन है ये देखो। दूसरा पाइप ले गया। ओ भाई ये क्या है कार्बन भाई साहब, ये चीज है ना वो जाती है हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे सांस के अंदर। भाई अगर धरती पर पेड़ ना होते ना तो इंसान भी नहीं होते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितने पेड़ लगाने उतने लगाइए। इधर तूने गाड़ी चालू नहीं की है, तूने कार्बन फेंका, ये देख इधर। ओ भाई साहब ओ भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं यार, ये गाड़ी के धुएं से हुआ है और ये प्योर कार्बन है। और गाड़ी गाइस 5 मिनट ही नहीं अभी तक धुआं फेंका, चली नहीं है गाड़ी और पाइप चेंज कर रहे हैं। और अंदर का हाल तो है ना थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको। भाई साहब अभी अंदर का हाल देखना, अंदर का हाल। हाँ करो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर हमारी जो गाड़ी है वो एक बार बंद हो गई थी, आधे घंटे का ब्रेक लिया और वापस से जो धुआं है वो अंदर जाना शुरू हो चुका है। और अब देखते हैं भाई अंदर की जो कोटन है ना वो कितनी खराब होती है। चारों तरफ से टूट गया ये क्रैक और इधर की साइड से भी क्रैक है देखो। और भाई अंदर से जो है जो हमारा एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा ब्राउन और पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है। आप लोग यहाँ की साइड देखो पूरा का पूरा जो है ब्लैक हो चुका है। और अब हम लोग जो है आप लोगों को अंदर से एनवायरनमेंट बाहर निकाल कर दिखाते हैं कि जो अंदर से हमारी जो कॉटन रूपी जो एनवायरनमेंट है वो कितना खराब हुआ है। और गाइज एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ 15 मिनट इसके अंदर धुआं फेंका है, ओनली 15 मिनट है। और 15 मिनट का रिजल्ट जो है अब हम खोलने वाले हैं। आप देखना गाइज आप देखना कि 15 मिनट का रिजल्ट क्या निकलता है। और आप सोचो कि यार लाखों करोड़ों गाड़ियां जो है धरती पर चलती है तो क्या क्या होता है देखना अभी। गाइज यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि परत आई है यहाँ पर, एक बिल्कुल गीला हो चुका है। और वो ये देखिए पीला है यहाँ पर, देखिए जो पानी है बिल्कुल येलो कलर का है। ओह शिट पॉल्यूटेड पानी है ये भी पॉल्यूटेड। इसको रखो और अब देखो। और गाइज यार आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी कॉटन थी वो किस प्रकार की थी, लेकिन अब बिल्कुल उसके अपोजिट है। यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी कॉटन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है गाइज, कुछ इस तरीके का हो चुका है। हम लोग बाहर निकाल कर आप लोगों को दिखाते हैं। बाहर निकालना, इसको हटाओ अभी और देखना गाइज। ये देखो बिल्कुल सफेद डाली थी, काली हो चुकी है। जैसे जैसे नीचे निकालते जाएंगे ब्लैक आती जाएगी।
और भाई कुछ एक हिस्सा आप लोग देखोगे यार कॉटन का इस टाइप से हो चुका है भाई, बिल्कुल वाइट डाली थी और बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और हमारे हाथ भी काले पड़ रहे हैं धीरे धीरे। इसको देखो गाइज, ये देखो गाइज, ये देखो, ये है हमारा एनवायरनमेंट और वो हुआ है ऐसी पोल्यूटेड गाड़ी की वजह से। अब देखो गाइज, मेन जो चीज है वो ये है और आपको बता दूं अभी हम सब की आंखें जो है वो जलना शुरू हो चुकी है इस पोल्यूशन की वजह से और मैं और भी कॉटन निकाल रहा हूं। ये देखो भाई, तो गाइज यहाँ पर इस पूरे पाइप के अंदर और जो प्लास्टिक के पाइप हमने आपको पहले दिखाए थे उनके अंदर पूरा कार्बन ही कार्बन जमा हो चुका है और ये सिर्फ 15 मिनट का नतीजा है। 15 मिनट हमने गाड़ी को एक्सीलेट किया, उसमें ये सब घटना हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि भाई सरकार जो है रेगुलर क्यों अपडेट लाती रहती है, कंपनियों को बोलती है कि अपने इंजन को अपडेट करो ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित बचा रहे। इस प्रकार का एनवायरनमेंट अगर हो गया तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। यही मकसद था आज इस वीडियो के अंदर आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाने का। बिल्कुल। तो गाइस यार कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा ये एक्सपेरिमेंट? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। भाई आंखें जल रही है सबकी।